सुस्वागतम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम, प्रणाम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपकी खिदमत में, आपकी सेवा में उपस्थित हो गया हूँ श्री नारायण लेकर आज के दिन विशेष जो है 28 नवंबर के। जी हाँ बहन भाइयों, जिसमें ऐतिहासिक घटना है जन्मदिन, स्मृति दिन, आज के विचार और भाई आज का सवाल, रोचक सवाल जिसका जवाब होगा वीडियो के अंत में। तो सब कुछ एक ही पैकेज में, ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और रोचक जानकारी से भरा एक ही पैकेज, जिसका नाम है भाई दिन विशेष विद NGC यूट्यूब चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे बहन भाइयों। तो चलिए बहन भाई, शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें सबसे पहले आज के सुविचार, पहला सुविचार, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर, जो होना है वो होकर ही रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। हंसी कह सकते हैं, खुशी कह सकते हैं, जो भी आप चाहो कह सकते हैं भाई। तो फिर एक बार आज का ये सुविचार, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर, जो होना है वो होकर ही रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद न कर। जी हाँ बहन भाई, बहुत ही बड़े सुविचार। अब दूसरा सुविचार, अच्छे स्वभाव जैसा और कोई भूषण आभूषण नहीं है और संतोष जैसा और कोई सुख नहीं है। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया ये सुविचार आज भी, ये आज का भी, अच्छे स्वभाव जैसा और कोई आभूषण नहीं है और संतोष जैसा और कोई सुख नहीं है। तो ये हुए भाई आज के दो सुविचार। अब आज का सवाल, रोचक सवाल, दुनिया में सबसे दुखी जानवर कौन सा है बहन भाइयों? आप कहेंगे कि इंसान ही दुनिया में सबसे दुखी है, लेकिन नहीं भाई, इंसान से भी और दुखी एक प्राणी है जिसका नाम ढूंढिए, और अगर आपको ना मिले तो मैं पकड़ कर लेकर, यानी कि पकड़ के, यानी कि इसका मतलब मैं इसका नाम बता दूंगा, लेकिन भाई वीडियो के अंत में। तो थोड़ा सा कष्ट उठाइए और वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहे, अंत में इसका जवाब आपको मैं दे दूंगा। आज लाल ग्रह दिन है, यानी रेड प्लैनेट डे है। तो आज के दिन की आपको सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, आज का दिन आपको मंगलमय शुभ रहे, यही शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं भाई आज के दिन विशेष जो है 28 नवंबर के। और 28 नवंबर के ये है कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1821 में पनामा ये देश स्पेन से आज़ाद हुआ। 1938 में प्रभात फिल्म की एक मराठी फिल्म माझा मुलगा ये रिलीज हुई, प्रकाशित हुई। 1960 में मोरेटानिया ये देश फ्रांस से आज़ाद हुआ। 1964 में भाई अमरीकी अंतराल संस्था नासा का मरीनर 4 ये इस अंतराल यान का मंगल ग्रह की ओर प्रयाण हुआ और इसी कारण आज रेड प्लैनेट डे मनाया जाता है। 1967 में जोसेलिन बेल बर्नेल और एंथनी हैविश इन्होंने पल्सार तारा का अस्तित्व सबसे पहले सिद्ध किया। 1975 में पूर्व तिमूर को पुर्तगाल से आज़ादी प्राप्त हुई। कवि नारायण सुर्वे, ये मराठी हैं, कवि नारायण सुर्वे, नारायण सुर्वे जी को तेलुगु भाषा के महाकवि गुर्रम जाशुआ साहित्य पुरस्कार घोषित हुआ, साल था 2000। 1660 में लंदन में रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई। 1814 में द टाइम्स ऑफ लंदन की छपाई, इस समाचार पत्र की छपाई पहली बार स्वयं चलित यंत्र द्वारा की गई। 1893 में भाई न्यूजीलैंड के महिलाओं ने पहली बार मतदान किया, मतदान का हक जताया। 1956 में चीन के प्रधानमंत्री चाऊ एन ली भारत आए। 1975 में भाई क्रिकेट में एक बहुत ही बढ़िया घटना घटी, वेस्टइंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग ने टेस्ट मैच में प्रवेश किया और उन्होंने तकरीबन 60 टेस्ट मैचों में 249 विकेट ली और
102 एक दिवसीय मैचों में 142 विकटें ली। 1990 में जॉन मेजर यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बने। 1996 में भाई कप्तान इंद्रानी सिंह एयरबस A300 इस विमान को कमांड देने वाली पहली महिला रही। 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री भाई आई के गुजराल यानी इंद्र कुमार गुजराल इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 1999 में पाकिस्तान को हराकर दक्षिण कोरिया एशियाई कप हॉकी में विजेता रहा और भारत तीसरे स्थान पर कांस्य पदक लेकर रहा। 1919 में अमेरिका में जन्मी लेडी एस्टोर ये हाउस ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला सदस्य चुनी गई। 1932 में फ्रांस और सोवियत संघ ने अनाक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1912 में इस्माइल कादरी इन्होंने तुर्की से अल्बानिया के आज़ाद होने की घोषणा की। तो ये हुए भाई आज के ऐतिहासिक घटनाएं। अब आज के जन्मदिन देखते हैं भाई। आज के जन्मदिन 28 नवंबर के भारतीय अमेरिकी वकील पॉलिटिशियन माइकल बेनेट 1964, फील्ड हॉकी खिलाड़ी गोविंद सावंत 1935, लेखक M.M. कलबुर्गी 1938, लेखक कवि चंद्र कुमार अग्रवाल 1867, पॉलिटिशियन भगवत झा आज़ाद 1922, पॉलिटिशियन रघुनाथ सिंह बहादुर 1929, डॉक्टरेट हासिल करने वाली पहली अमरीकी महिला जिनका नाम था हेलन वाइट 1853 में इनका जन्म हुआ 53, स्पेन का राजा अल्फांसो 12वां 1857, गायक अभिनेता ये शास्त्रीय गायक कलाकार हैं रामकृष्ण बाब वझे 1871, हड्डियों के यानी ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर प्रमोद करण सेठी ये जयपुर फूड के लिए महान प्रसिद्ध हैं। जयपुर फूड के जनक माने जाते हैं। इनका जन्म 1927 में हुआ। हिंदी साहित्यिक पत्रकार अमर गोस्वामी 1945, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित अभिलाषा महात्रे 1927, अभिनेत्री यामी गौतम 1988, अभिनेता सिद्धार्थ वेणुगोपाल 1985, अभिनेता जेसी डैनियल 1900, लेखक इतिहासकार विश्वास पाटिल ये मराठी हैं 1959, अभिनेत्री ईशा गुप्ता 1985 और म्यूजिशियन तबला वादक रजत कुमार मिश्र 1992। तो ये हुए भाई आज के जन्मदिन। अब आज के स्मृति दिन, समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले 1890, ब्रिटिश अधिकारी अलेक्जेंडर कनिंगहैम 1893, नोबेल पारितोषिक विजेता इटालियन अमेरिकी भौतिक शास्त्री एनरिको फर्मी 1954, अभिनेता गायक संगीतकार K.C. Day ये दृष्टिबाधित थे और भाई महान पार्श्व गायक मन्ना डे जी के चाचा थे K.C. Day यानी कृष्णचंद्र डे 1962 में इनकी मृत्यु हुई। इतिहासकार लेखक त्र्यंबक शंकर सेजवलकर 1963, सशस्त्र क्रांतिकारक पांडुरंग महादेव तथा सेनापति बापट 1967, बाल साहित्यिक इंग्लिश लेखिका एनिड ब्लाइटन 1968, बनारस घराना के सारंगी वादक हनुमान प्रसाद मिश्र 1999, नाट्य निर्माता अनंत काने 2001, भारतीय सैनिक संदीप उन्नीकृष्णन 2008, अमरीकी लेखक जिग जैगलर 2012,
बास्केटबॉल के जनक जेम्स नाइस्मिथ 1939, हिंदी उपन्यासकार देवनारायण द्विवेदी 1989, दिग्दर्शक भालजी पेंढारकर, यह मराठी है 1994, और भारतीय हवालदार गजेंद्र सिंह 2008। तो ये हुए भाई आज के दिन विशेष। इसी के साथ ही आज के दिन विशेष खत्म करते हैं भाई, लेकिन सवाल जो है ना उसका जवाब देना बाकी है। तो सवाल ये है, दुनिया में सबसे दुखी जानवर कौन सा है? तो भाई दुनिया में सबसे दुखी जानवर है जिसका नाम है पोलर बेयर। जी हाँ, पोलर बेयर ये दुनिया में सबसे दुखी जानवर है, और ये बर्फीली जगह पर पाया जाता है, और भाई इसे भालू की ही एक वैरायटी मानी जाती है, यानी भालू का ही एक प्रकार माना जाता है। सबसे बड़ा खास बात यह बात है कि भाई ये सबसे बड़ा मांसाहारी है, और इसका अब आजकल विलोप होने का खतरा बढ़ रहा है, यानी ये कम होते जा रहे हैं। ये अमेरिका, कनाडा, रूस, नॉर्वे और ग्रीनलैंड, इन देशों में विशेषकर पाया जाता है, मिलता है। तो अधिक जानकारी के लिए भाई गूगल सर्च कीजिएगा, है ना, गूगल पर आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए मेरे भाइयों, आज की वीडियो कैसी रही, जानकारी कैसी लगी, दिन विशेष कैसा रहा, सब कुछ आप एक लाइक और शेयर और कमेंट के जरिए बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस उम्मीद के साथ अब लेता हूँ विदा, कल मिलने का करता हूँ वादा। तो दीजिए श्री नारायण को आज्ञा, नमस्कार, सलाम, आदाब, प्रणाम।